मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और इसराइल अमेरिका के सबसे प्रमुख और बड़े सहयोगी हैं। इसके बाद जॉर्डन, यूएई, बहरीन, कतर वो मुस्लिम देश हैं जहां पर अमेरिका की अच्छी पैठ है। लेकिन गाजा युद्ध ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सारे समीकरण बिगाड़ दिए, क्योंकि अमेरिका सालों से सऊदी अरब और इसराइल की दोस्ती कराने में लगा हुआ था, लेकिन हमास के हमले की वजह से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और अब हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान लगातार खाड़ी और अरब देशों को इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भड़काने में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में इराकी शिया मिलिशिया कतैब सईद अल सुहादा ने धमकी दी है कि अगर इसराइल के साथ सीधी जंग छिड़ती है तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई पर सीधा हमला कर देगा। इसको लेकर प्रतिरोधी गुट के नेता अबू अला अल वलई ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि इराक में इस्लामी प्रतिरोध अमीरात को खाड़ी में इसराइल के एडवांस बेस के रूप में देखता है और अगर पूर्ण युद्ध छिड़ता है तो यूएई हमारा पहला टारगेट होगा। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि इराक में इस्लामिक प्रतिरोध की मिसाइलें और ड्रोन्स जो इसराइल के भीतर तक पहुंच चुकी है वो आसानी से वैकल्पिक जगहों पर इसराइल के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकती हैं। आपको बता दें कि अल वलई ने न सिर्फ यूएई पर हमला करने की धमकी दी है बल्कि उसने ये भी कहा है कि वो लेबनान के साथ एकजुटता से खड़े हैं। साथ ही वो गाजा में हमास और यमन के हूती को हर तरह से मदद देंगे। इराकी गुट ने ये भी धमकी दी है कि वो अमेरिका, इसराइल और यूएई के हितों पर हमला कर सकते हैं। अल वलई का कहना है कि अगर इलाके में जंग छिड़ती है तो वो एक तरफ खड़ा नहीं रहेगा बल्कि वो इस जंग में सीधे अमेरिका और इसराइल की बर्बरता और अपराध के खिलाफ लड़ेगा। और नसरल्लाह को लेकर वलई ने कहा कि मैंने नसरल्लाह से वादा किया था कि अगर आपके 1000 लड़ाके शहीद होंगे तो हम आपको 1,00,000 जवान मुहैया कराएंगे। ये कोई अतिशयोक्ति या अतार्किक बात नहीं है। इसराइल अमेरिकी दुश्मन इलाके की एकता को अलग करने में सफल नहीं होंगे। प्रतिरोधी गुट के नेता का ये भी दावा है कि प्रतिरोधी गुट ने अभी तक अपनी सिर्फ 50% ताकत का इस्तेमाल किया है और इराकी मिलिशिया के पास हिजबुल्ला और हूती के जैसी ही ताकत है। अमेरिका को लेकर प्रतिरोधी समूह ने कहा कि हमने 10 साल की लड़ाई में अमेरिका को शर्मसार करके अपने यहाँ से खदेड़ दिया और हम उन्हें एक बार फिर से इराक, सीरिया और पश्चिमी एशिया से बाहर कर देंगे और अगर युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका इराक में बंधक है। हमारी ताकत खाड़ी और दूसरी जगहों पर अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती है। इस इलाके में अमेरिका और इसराइल के सभी हित प्रतिरोधी गुट के लिए वैध टारगेट होंगे, खासतौर से यूएई जिसे हम इसराइल की सबसे पहली ऑपरेशन इकाई मानते हैं। ऐसे हालातों में यूएई हमारा पहला टारगेट होगा।